सीएबी यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल और हिंदी में कहें तो नागरिक संशोधन विधेयक, जिसको लेकर आजकल चारों तरफ बड़ी हायतोबा मची हुई है। और विपक्ष का ये कहना है कि सरकार ने ये जो बिल पास किया है ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और समानता का जो अधिकार है उसका वायलेशन है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं जस्टिस मूलचंद गर्ग, जो दिल्ली हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त हैं, उनसे जानते हैं। गर्ग साहब, बड़ा शोर शराबा इस बिल को लेकर मच रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। वास्तव में जहां तक संविधान की मूल भावना की बात है उसमें इस पूरे बिल के अंदर ऐसा एक भी शब्द नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि किसके खिलाफ इनइक्वालिटी की बात हुई है या किसी को कहा गया है कि तुम्हें कोई बाहर उठा के बाहर निकाल देंगे, बल्कि इसमें केवल ये बात है कि जो लोग इस देश के वासी थे और जो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में किसी कारण से चले गए, वहां रहने लगे, जैसे 1947 में एक पूरा का पूरा ईस्ट पाकिस्तान जिस पर जो बांग्लादेश बना, वास्तव में क्योंकि 1947 में जो नेहरू लियाकत समझौता हुआ था तो उसमें यह तय हुआ था कि पार्टीशन हो रहा है और बैकग्राउंड में जाया जाए तो ये एक हिंदू देश और एक मुस्लिम देश, इस प्रकार की एक सोच रही। पर फिर भी जब ये तय हुआ कि जो हमारे यहाँ रहेंगे हम उनको माइनॉरिटीज को भी, जैसे मुसलमान हमारे यहाँ रह जाएंगे तो उनको भी हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, सब कुछ अच्छा सम्मान देंगे, ठीक प्रकार से बिहेव करेंगे, परंतु ये जो बात हमने हिंदुस्तान में रखी आज भी हमारे यहाँ मुसलमान जो रहता है उसको हम एक नागरिक के रूप में समान अधिकार सुविधाएं देते हैं और अधिकार देते हैं। लेकिन जो तीन कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ क्या हुआ कि जो हमारे हिंदू, सिख, क्रिश्चियन जो वहां रह गए और अल्पसंख्यक रहे उनको वहां पर परसीक्यूशन, उनको तंग किया गया, तो इसके कारण वहां लोग रहना उनके लिए मुश्किल हो गया और इसलिए वो हिंदुस्तान में आ गए शरणार्थी के, तो शरणार्थी के नाते आए, क्योंकि अब किसी आदमी का अगर कुछ नुकसान होता है तो वो कहाँ जाता है, वहीं जाएगा जहाँ उसके पुराने लोग, उसके जाने वाले लोग रहते हैं, इसके कारण से लोग हिंदुस्तान आए। अब वो लोग यहाँ रह रहे हैं, अभी नागरिक का अधिकार नहीं है तो उनको न नौकरी की व्यवस्था है न उनके रहने की व्यवस्था है, तो वो बेचारे दुखी प्राणी के रूप में रह रहे हैं, बड़े बहुत ही बदतर हालात में रह रहे हैं। इस कारण से ये जो कानून बनाया गया है इसमें किसी के खिलाफ, मानो हम जो हमारे यहाँ जो रहता है, जो मुसलमान या कोई भी रहता है, तो उसको उसके खिलाफ कोई कार्रवाई इस एक्ट के अंतर्गत नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि जो लोग हिंदुस्तान में आए बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन, बिकॉज ऑफ तंग होने के कारण से, या जो अपने रिलीजन, अपने आप को ठीक से वहां रख नहीं पा रहे, जब क्योंकि बाकी जो लोग हैं सो कॉल्ड मेजोरिटी या सो कॉल्ड गवर्नमेंट जी, उसमें वो जो लोग वहां पर हैं वो इनको चाहते हैं कि आप या तो इस्लाम स्वीकार कर लें। बीजेपी गवर्नमेंट को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस अवसर पर मोदी जी ने इस बिल को पास करवा दिया और ये बहुत अच्छी बात हुई। इसमें ये कहना ये कानून के सम्मत नहीं है, ये वो लोग कह रहे हैं जो जिनको शायद कानून की समझ नहीं है या जो किसी और कारण से ऐसा बोल जाए। भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं उनको भी अपने रहने के प्रमाण देने होंगे और मुसलमानों के खिलाफ ये बिल है, ऐसा भ्रम लगातार विपक्ष की तरफ से फैला है। देखिए क्या है कि जो आदमी एक शरणार्थी के रूप में आए तो वो तो हमारी एक सोच है कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया,
जो ये हमारा भाव आज का नहीं है, हजारों सालों का है, हमारे यहाँ जो व्यक्ति आया शरणार्थी के रूप में आया उसको हमने पूरा सम्मान दिया। मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ शिवाजी का, शिवाजी के और एक सिपा सलार एक लड़की को ले आए और शिवाजी को कहा कि ये आपके लिए लेकर आए, तो शिवाजी ने उस स्त्री को देखकर कहा कि काश मेरी माँ भी ऐसी सुंदर होती तो मैं रूप नहीं होता। तो हमारे देश में इस प्रकार की परसिक्यूशन नहीं है, हमारे यहाँ लोगों को उचित तरीके से रखने का भाव है, चाहे फिर वो मुसलमान ही क्यों ना हो, जो यहाँ रह गया उसको हम पूरा सम्मान देते हैं। लेकिन वी विल नॉट परमिट कि भाई बाहर से कोई मुसलमान यहाँ आके रहना शुरू कर दें जो हमारे देश में उनका कोई मतलब नहीं है, तो वी आर नॉट परमिटिंग देम, क्योंकि वो जो उन देशों में दे आर मेजोरिटी, मतलब घुसपैठियों को ये अलाउ नहीं है, घुसपैठियों को नहीं अलाउ कर रहे, शरणार्थियों के लिए एक पैकेज बनाया है और ये बिल पास किया है। चलिए नमो इम्पैक्ट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जैसा जस्टिस मूलचंद गर्ग ने कहा और यही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना था कि ये जो बिल किसी से छीनने का या कुछ लेने के लिए नहीं है, ये नागरिकता देने के लिए है, उन लोगों को नागरिकता देने के लिए जो इन तीन देशों में अल्पसंख्यक हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, उन लोगों को यहां पर मान सम्मान की जिंदगी मिल सके जो छह साल से ज्यादा समय से हिन्दुस्तान में रह रहे हैं, उनको कुछ नागरिकता का अधिकार देने के लिए बिल्कुल लाया गया है। और जज साहब ने भी यही कहा कि नाहक तरीके से इस विषय पर भ्रम फैलाया जा रहा है और घुसपैठियों को छोड़कर शरणार्थियों को मान सम्मान इस बिल के जरिए मिलेगा। नरेंद्र वर्मा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।